हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सोलेंस एनर्जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपके घर पर लगे सोलर सिस्टम से बिजली कैसे बनती है और आपके बिजली के बिल में वो कैसे दिखाई देता है और आपके बिल में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट यूनिट का मतलब क्या होता है। सोलर मीटर में जलती ये रेड लाइट आपको ये बताती है कि आपके घर में लगे सोलर सिस्टम से कितनी तेजी से बिजली प्रोड्यूस हो रही है। जब सूर्य की किरणें सोलर पैनल्स पर पड़ना बंद हो जाएं, तब ये लाइट भी जलना बंद हो जाती है। सोलर मीटर में आपको KWH को देखना है। KWH मतलब यूनिट। ये आपको ये बताती है कि आपके घर पर लगे सोलर सिस्टम का टोटल सोलर जनरेशन कितना हुआ है। सोलर सिस्टम में लगा बाईडायरेक्शनल यानी कि नेट मीटर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट बताता है। वीडियो में शो हो रही पहली पिक्चर इंपोर्ट यूनिट की है। इंपोर्ट यूनिट मतलब आपने अपने डिस्कॉम प्रोवाइडर यानी GEB या टॉरेंट से कितनी यूनिट बिजली खरीदी है, जिसका यूनिट मेजरमेंट आपको KWH में दिखाया जाता है। एक्सपोर्ट यूनिट मतलब आपके घर पर लगी सोलर सिस्टम से जनरेटेड एक्स्ट्रा बिजली जो आपने यूज़ नहीं की है, वो आप अपने डिस्कॉम प्रोवाइडर यानी GEB या टॉरेंट को देते हैं। आपके घर के बिजली का बिल एक्सपोर्ट यूनिट माइनस इंपोर्ट यूनिट के डिफरेंस से बनता है। आइए अब हम ये समझते हैं कि थ्री फेज सोलर सिस्टम के बाई डायरेक्शनल मीटर के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट को कैसे देखना है। थ्री फेज बाई डायरेक्शनल मीटर में आपको सबसे पहले टाइम और डेट दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट एक एरो के जरिए दिखाई जाएगी। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपके घर पर लगे सोलर सिस्टम का टोटल सोलर जनरेशन 60 यूनिट है और आपने अपने घर में दिन में 20 यूनिट इस्तेमाल किए, तो बचे 40 यूनिट आपके GEB या टॉरेंट में चले जाते हैं, जिसे एक्सपोर्ट यूनिट कहा जाता है। लेकिन जब रात में सूर्य की किरणें सोलर पैनल्स पर नहीं पड़ती हैं, तो आप अपने GEB या टॉरेंट से 30 यूनिट लेते हैं, जिसे इंपोर्ट यूनिट कहा जाता है। तो आपके नेट मीटर यानी बाईडायरेक्शनल मीटर में इंपोर्ट यूनिट 30 होगा और एक्सपोर्ट यूनिट 40 होगा, जिसे KWH के जरिए दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं कि आपके बिजली के बिल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस कैसे दिखता है और उस पर से आपका बिजली का बिल कैसे आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बिल में प्रेजेंट इंपोर्ट रीडिंग 6063 है और पास्ट इंपोर्ट रीडिंग 5731। प्रेजेंट मतलब आपके प्रेजेंट मंथ की यूनिट रीडिंग और पास्ट मतलब आपके पिछले महीने की यूनिट रीडिंग। उसी तरीके से आपको एक्सपोर्ट यूनिट भी दिखेगा। यहाँ पर प्रेजेंट एक्सपोर्ट यूनिट रीडिंग 10,204 है और पास्ट एक्सपोर्ट रीडिंग 9,804। आपके प्रेजेंट और पास्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट रीडिंग के डिफरेंस से जो यूनिट आता है, उसी से आपका बिल बनता है। अगर आपका बिल पॉजिटिव है, तो आपको उतने पैसे अपने डिस्कॉम प्रोवाइडर यानी कि GEB या टॉरेंट को देने हैं, और अगर ये अमाउंट नेगेटिव में है, तो उसका क्रेडिट आपको अपने डिस्कॉम से मिलता है। Thank you so much for watching this video. Stay tuned for more upcoming videos and subscribe to our channel, Solence Energy, and also click that bell icon. Thank you.